नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। द वॉल जैमी, ये वो नाम है जो राहुल द्रविड़ को लोग प्यार से बुलाते हैं। इन नामों से राहुल द्रविड़ को लोग प्यार से बुलाते हैं। आज का दिन 11 जनवरी राहुल द्रविड़ के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज ही के दिन राहुल द्रविड़ पैदा हुए थे। आज वो अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। हाफ सेंचुरी के वो बेहद करीब पहुंच चुके हैं। अगले साल हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेंगे वो। और राहुल द्रविड़ का जन्म 11 जनवरी 1973 को हुआ था। और राहुल द्रविड़ की गिनती भारत ही नहीं दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक में की जाती है। इस वीडियो में राहुल द्रविड़ से जुड़े आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे, कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जो शायद ही आप राहुल द्रविड़ के बारे में जानते हो। और अगर आप इन बातों को नहीं जानते हो तो राहुल द्रविड़ के आप सच्चे फैन भी नहीं कहलाओगे, क्योंकि ये वो बातें हैं जो राहुल द्रविड़ के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। फैक्ट्स की बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त राहुल द्रविड़ क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद लगातार सक्रिय रूप से भारतीय टीम की सेवा कर रहे हैं। थोड़े वक्त पहले तक वो एनसीए के प्रमुख थे, जहां पर उन्होंने भारतीय बेंच स्ट्रेंथ को काफ़ी मजबूती प्रदान की और यहां तक पूरी दुनिया में ये कहलाने का रुतबा भी दिया कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत है। मौजूदा वक्त की बात करें तो राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के मुख्य कोच के तौर पर कार्यरत हैं और इस वक्त साउथ अफ्रीकी दौरे पर है, जहां पर टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जानी है। चलिए अब कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताते हैं जो राहुल द्रविड़ के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो सबसे पहला फैक्ट आपको बताएं तो राहुल द्रविड़ का पूरा नाम राहुल शरद द्रविड़ है और उनकी जो मदर टंग है वो मराठी है। बहुत कम लोगों को पता है कि राहुल द्रविड़ की मातृभाषा मराठी है। दूसरा फैक्ट आपको बताते हैं राहुल द्रविड़ से जुड़ा, द वॉल नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राहुल द्रविड़ को जैमी नाम से भी उनको जैमी नाम भी दिया गया है, निकनेम। लेकिन क्या आप जानते हैं, देखिए जानते तो होंगे बहुत लोग कि जैमी नाम उनको दिया गया है, प्यार से लोग जैमी बुलाते हैं उनको, लेकिन क्या आपको पता है कि उनको जैमी नाम किसने दिया है और क्यों नाम पड़ा है? तो देखिए जैमी नाम उनको इस वजह से पड़ा है क्योंकि राहुल द्रविड़ के पिता निसान कंपनी में काम करते थे और निसान कंपनी जैम्स बनाने में बहुत फेमस है, तो इस वजह से उनको ये नाम जो है पड़ गया है। अब राहुल द्रविड़ से जुड़ा एक तीसरा फैक्ट आपको बताते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे कि राहुल द्रविड़ के नाम पर एक लोकल टूर्नामेंट आयोजित होती है और जो उस मैच में उस टूर्नामेंट के दौरान जितने भी मैचेस खेले जाते हैं उसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच होता है वो भी उनके ही नाम से दिया जाता है। तो बेंगलुरु में एक कप का आयोजन किया जाता है, एक लोकल टूर्नामेंट है जैमी कप, और जो प्लेयर ऑफ द मैच होता है उसको जैमी ऑफ द डे का अवार्ड दिया जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है जो राहुल द्रविड़ से जुड़ी है और बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है। आपको जो चौथा उनके बारे में एक फैक्ट बताएंगे, राहुल द्रविड़ 11 बार टेस्ट मैचों में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत चुके हैं, लेकिन उसमें से 8 बार विदेशों में, जो दर्शाता है कि राहुल द्रविड़ ना सिर्फ भारतीय पिचों पर बल्कि विदेशों में भी कारगर बल्लेबाज थे और टीम इंडिया के लिए बहुत मैच जिताऊ पारियां उन्होंने खेली है। पांचवा फैक्ट राहुल द्रविड़ से जुड़ा आपको बता दे, भारत के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो लगातार 4 पारियों तक शतक जड़ चुके हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनके बारे में, फैक्ट कह ले या रिकॉर्ड कह ले, भारत के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं। राहुल द्रविड़ से जुड़ा आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है। दरअसल 2004 में एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे में राहुल द्रविड़ को मोस्ट सेक्सीएस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया का खिताब उनको दिया गया था। ये आप कहेंगे कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्टाइलिश तो वो है ही, हैंडसम वो है ही, तो ये अवार्ड पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उस सर्वे में युवराज सिंह, सानिया मिर्जा जैसे एथलीट्स भी शामिल थे,
जो दर्शाती है कि राहुल द्रविड़ कितने ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं भारत के लिए। अगला उनके बारे में आपको फैक्ट कह ले या फिर रिकॉर्ड कह ले, एक रिकॉर्ड है राहुल द्रविड़ के नाम पे। राहुल द्रविड़ 31,258 गेंदे टेस्ट मैचों में खेल चुके हैं, ये एक रिकॉर्ड है। उनसे ज़्यादा गेंदे पूरी दुनिया में कोई नहीं खेल चुका है। और अगर हम ओवर्स की बात करें तो 5,209 ओवर्स वो खेल चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में 164 टेस्ट मैचों में। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो जैमी के नाम पे, जो द वॉल के नाम पे दर्ज है। अगला एक फैक्ट आपको राहुल द्रविड़ के बारे में बताएंगे। राहुल द्रविड़ भारत ही नहीं दुनिया के इकलौते ऐसे क्रिकेटर है जिसने T20 क्रिकेट में जिस मैच में डेब्यू किया उसी मैच में संन्यास लिया है। राहुल द्रविड़ भारत के लिए एक T20 मैच खेल चुके हैं और जिस मैच में उन्होंने पदार्पण किया उसी मैच में उन्होंने संन्यास लिया। तो ये एक फैक्ट कह ले या रिकॉर्ड कह ले राहुल द्रविड़ के नाम पर है। एक और इंटरेस्टिंग आपको राहुल द्रविड़ के बारे में बताएंगे जो बहुत से लोगों को ध्यान से सुनना होगा। देखिए, बहुत से लोगों को कई लोगों के जन्मदिन और इम्पॉर्टेंट डेट्स याद नहीं होते, राहुल द्रविड़ भी उनमें से एक थे। राहुल द्रविड़ की जर्सी का नंबर था 19 और जब उनसे पूछा गया कि ये नंबर के पीछे राज क्या है तो उन्होंने कहा इससे आसान तरीका नहीं है बीवी का जन्मदिन याद करने का। तो उनके जर्सी नंबर के पीछे ये कहानी थी। एक इंटरेस्टिंग और फैक्ट आपको बता दें, राहुल द्रविड़ ने खेल में जो योगदान दिया है उसके लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड भारतीय सरकार द्वारा दिया गया है। तो राहुल द्रविड़ के जन्मदिन के मौके पर आपको इस वीडियो में हमने 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। आप इन फैक्ट्स के बारे में पहले से जानते थे या नहीं जानते थे आप कमेंट के जरिए हमें बताइए। और वीडियो को एंड करने से पहले राहुल द्रविड़ के करियर हाइलाइट्स पर एक नज़र डालें तो 164 टेस्ट मैचों में राहुल द्रविड़ के नाम 13,288 रन्स दर्ज हैं। तो वहीं 344 ओडीआई वो भारत के लिए खेल चुके हैं और इस दौरान उनके नाम 10,889 रन्स दर्ज हैं। एक T20 मैच उन्होंने भारत के लिए खेला है और 31 रन वो भारत के लिए मतलब 31 रन उनके T20 करियर में भी दर्ज हैं। IPL उन्होंने 89 मैच खेले हैं और 89 IPL मैचों में उनके नाम 2,174 रन दर्ज है। अगर हम शतकों और अर्धशतकों की बात करें तो टेस्ट में 36 शतक, ODI में 12 शतक और अर्धशतकों की बात करें तो 63 अर्धशतक वो टेस्ट मैचों में लगा चुके हैं। तो वहीं पर राहुल द्रविड़ के नाम 83 ODI हाफ सेंचुरीज दर्ज है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेटेड स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स फैक्ट और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। धन्यवाद।